फ्रेंड्स वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, कितने सारे बेस्ट और कितने सारे बैड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा होगा। ओके, आप इसको कितना लॉन्ग टाइम यूज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ओके, आपका हर एक डाउट भाई इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप एक बेस्ट प्रोडक्ट बाई करना चाहते हो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो भाई प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्क्रिप मत करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों का रिव्यू, दोनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो भाई प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस एलईडी का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं फ्रेंड्स कि ये आपको बाय करनी चाहिए कि नहीं बाय करनी चाहिए। ओके, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इफेक्टिव और हेल्पफुल होने वाला है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, वीडियो को स्क्रिप मत करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो इस एलईडी का लुक आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है। ये आपको फुल स्क्रीन में देखने को मिल जाती है, फ्रेमलेस देखने को मिल जाती है। ओके, और ये एक एंड्रॉइड एलईडी होने वाली है। ये भाई देखो, लुक काफ़ी बेस्ट होने वाला है। इस एलईडी का फीचर्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। इसका जो वॉइस का आउटपुट होने वाला है वो 40 वाट का आपको साउंड का आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो भाई आवाज़ में काफ़ी धमक बैस गूंज भी होने वाली है। ओके, क्रिकेट मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, गूगल प्ले स्टोर भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप कोई भी ऐप कोई भी गेम इस एलईडी में इंस्टॉल कर सकते हो। आपको इसमें गूगल प्ले स्टोर भी देखने को मिल जाता है और भी गूगल मूवी देखने को मिल जाता है, यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब और भी बहुत सारे भाई फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सपोज आप गेस कर सकते हो भाई, जब इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर ही देखने को मिल जाता है तो बहुत सारे ऐप आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। बात रही इसमें नेट की, तो इसको आप अपने वाईफाई से हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हो इजीली। वाईफाई भी आपको इसमें 5G देखने को मिल जाता है। तो भाई काफ़ी बेस्ट ये एलईडी होने वाली है। ओके, बात करें इसमें तो आपको बहुत से ऐप देखने को मिल जाते हैं, जब गूगल प्ले स्टोर ही देखने को मिल जाता है, फिर भी नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, यूट्यूब म्यूजिक, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सोनी ल्यू, मैक्स प्लेयर, बहुत सारे आपको चैनल गेम आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और बैक से ये एलईडी कुछ ऐसी होने वाली है भाई जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होने वाली है और आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ भी करने वाले हो। ओके, ये देखो कुछ ऐसा रिमोट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वॉइस सर्च भी देखने को मिल जाता है, आप वॉइस के थ्रू सर्च भी कर सकते हो। ओके, इसमें आप अपना मेमोरी कार्ड, टीएफ कार्ड भी लगा सकते हो और ब्लूटूथ भी लगा सकते हो। ओके, और भाई इसमें आपको हेडफोन AUX केबल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी बेस्ट ये एलईडी होने वाली है। बात करते हैं इसके मॉडल नेम की कि भाई इस एलईडी का मॉडल नेम क्या होने वाला है। तो इस एलईडी का जो भाई मॉडल नेम है VU, ओके ओके, और ये 55 इंच की होने वाली है। ओके, तो ये इसका मॉडल नेम है, आप ये कह सकते हो 55QML। ओके, आप ये भी इसका मॉडल नेम कह सकते हो VU। ओके, ये तो ब्रांड है और ये 55 इंच की होने वाली है। ओके, तो फ्रेंड्स बात करें इसकी MRP की, तो भाई 47,990 रुपये इसकी MRP है। बहुत ही ज़्यादा MRP है, बट ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम MRP है, क्योंकि ये 55 इंच की होने वाली है और ये कोई MRP फिक्स नहीं रहती है भाई, ये डे बाई डे प्लस माइनस होती रहती है। आपको यहाँ पे 46,490 रुपये देखने को मिल रहे हैं, तो ये MRP फिक्स नहीं है, प्लस माइनस होती रहती है भाई। ओके, और इसमें आपको फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, बट MRP भी जाता है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो इसको बाई करना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है भाई। तो मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप इसको बाई मत करना। इसमें आपको 2GB का RAM भी देखने को मिल जाता है और भी काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, 16GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, CPU वगैरह सब आपको इनबिल्ट इसी में देखने को मिल जाता है। ओके, तो भाई 2GB का RAM, 16GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है और ये कुछ ऐसी LED होने वाली है।
ये देखो भाई, इसमें आप क्रिकेट वगैरह भी वॉच कर सकते हो। ये देखो काफ़ी बेस्ट होने वाली है, पिक्चर्स क्वालिटी भी आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाती है। ये देखो भाई, ओके, ये देखो। तो अगर आपके पास पैसा आने का काफ़ी अच्छा खासा सोर्स है, ओके, देन आप इसको भाई बाई कर सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप कोई दूसरी बाई कर सकते हो 32 इंच की, ओके, वो आपको मिल जाएगी, ओके, लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाएगी। हो सकता है 8 हज़ार के आसपास भी मिल जाए, वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगी। ओके, तो आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है भाई, कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर वहीं पे करूँगा, अदरवाइज उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये एलईडी कुछ ऐसी होने वाली है जो आपको देखने को मिल रही है। ये देखो भाई, ओके। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद, बाय, ऑल द बेस्ट।